फ्रेंड्स, आज की वीडियो वॉशिंग यार्ड जोधपुर जंक्शन की है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि वायरिंग को सिर्फ यहाँ पे लगा के छोड़ दिया था। एंड मैंने बताया था ना कि वायरिंग का जो काम है वो अंदर से ही मतलब शुरू हो रहा है परफेक्टली सही ढंग से लगाने का। तो अंदर की वायरिंग जो है लगभग काफ़ी परफेक्ट हो गई है। ज़्यादा आगे तो मैं जा नहीं पाऊँगा और उस वाले ट्रैक पे तो वो ट्रैक खड़े हैं। अंदर वाले और जितने भी ट्रैक्स हैं उनकी तो वायरिंग जहाँ तक दिखाई दे रही है पूरी की पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये तो सामने फुट ओवर ब्रिज है ना, यहाँ तक की वायरिंग देखिए दोस्तों पूरी की पूरी कंप्लीट है। एंड बाहर की तरफ का काम शुरू हो गया है। ये फुट ओवर ब्रिज से आगे के वायरिंग का काम शुरू मतलब चल रहा है, पूरा भी हुआ नहीं है। सारे ट्रैक्स आगे जाके एक ही ट्रैक पे मिलेंगे। पार्क की तरफ का थोड़ा सा काम बाकी है एंड यही ट्रैक आगे जाके मोहनपुरा पुला की तरफ तक जा रहा है। ये गाइस लास्ट वायरिंग यहाँ तक की आई है, जैसा कि अपन पहले भी बहुत वीडियो में देख चुके हैं। और आगे वाले इसी ट्रैक के वायरिंग अभी तक लगाई भी नहीं है, टेम्प्रेरी भी नहीं लगाई है। और यार्ड से लेके जितने भी ट्रैक अंदर है सब जो आगे आके एक ही ट्रैक पे मिल रहे हैं ना, वहाँ तक की वायरिंग का काम चल रहा है। एंड लास्ट वाले जो ट्रैक है यहाँ पे जो बाहर की तरफ निकलता है मोहनपुरा पुलिया तक का, यहाँ पे अभी तक वायरिंग नहीं लगाई है। मोहनपुरा पुलिया से आगे की बात करें अपन तो लास्ट जो ट्यूब सपोर्टिंग पोल था वो यहाँ तक ही लगाया हुआ था। एंड इससे आगे की अगर अपन बात करें तो इस रायकाबाग जंक्शन वाली साइड में काफ़ी मतलब हद तक दोनों ही साइड के लगभग छोटे बड़े सब मिलाकर सारे पोल सब रख दिए हैं। रिसेंटली जो भी पोल्स छोटे बड़े रखे गए हैं ये सिर्फ अभी रखे हुए ही हैं, अभी इनको फिक्स नहीं किए हैं। और जो पहले रखे हुए थे वो तो सभी लगभग फिक्स कर दिए थे। एंड आगे की पोजीशन रायकाबाग जंक्शन की बात करूँ तो अभी वहाँ पर कंडीशन सेम ही है। शायद परसों की ही बात है, मैं उस वाली साइड में गया था तो
कुछ नई मैंने अपडेट देखी नहीं थी। तो आज की अपडेट की वीडियो में यहाँ तक ही रखूँगा फ्रेंड्स। नई अपडेट जैसे ही कोई मिलेगी वो मैं शेयर कर दूँगा। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहाँ तक ही है और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।